Good morning, students. Your maths teacher Kirni is here. Today we are going to do our exercise 2.4. First sum is determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. देखो आपको इसमें क्या गिवन है कि आपको चेक करना है कि किस किस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 एक फैक्टर बनेगा. तो फर्स्ट पार्ट देखिए. फर्स्ट पार्ट में जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है वो है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो इस पॉलिनोमियल के लिए जब आप चेक करेंगे कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो हम कैसे करते हैं. सबसे पहले तो लिखो लेट p ऑफ x हम किसको कंसीडर कर लें, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को अगर हम p ऑफ x कंसीडर करें. और हमें दिखाना है कि x प्लस 1 एक फैक्टर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जीरो निकालते हैं x प्लस 1 की. तो x प्लस 1 को पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से x कितना आ गया, माइनस 1. जीरो ऑफ x प्लस 1 इज माइनस 1. तो ये क्या होगी, माइनस 1 जो है जीरो हो गई x प्लस 1 पॉलिनोमियल की. अब देखिए हमें क्या करना है, अगर फैक्टर दिखाना है तो अगर हम इस जीरो की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखें तो हमारी पॉलिनोमियल कितनी वैल्यू देगी, जीरो वैल्यू देगी, तभी जो है ये क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा. तो देखो जब हम p ऑफ माइनस 1 करेंगे तो p ऑफ माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस 1. इसको सॉल्व करो, माइनस 1 का क्यूब है तो माइनस 1, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है तो 1, ये माइनस 1 और ये प्लस 1. तो यहाँ से ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये आ गया जीरो. तो p ऑफ माइनस 1 कितना आया, जीरो आया. सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो ये क्या हो गया, हमारा x प्लस 1 जो है फैक्टर बन गया इस पॉलिनोमियल का. सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट में जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है वो है x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1. इसके लिए भी आपको दिखाना है कि x प्लस 1 जो है फैक्टर है. तो लेट करो p ऑफ x क्या है हमारा, x 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. नाउ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 1. 0 ऑफ x प्लस 1 क्या बनेगा, माइनस 1. अब इस माइनस 1 को जब p ऑफ माइनस 1 करेंगे तो देखो माइनस 1 की पावर 4, माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 1 और प्लस 1. यहाँ से देखो इवन पावर है तो 1, ओड पावर है तो माइनस 1, और यहाँ पर भी प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1. तो यहाँ से देखो ये 1 कैंसिल, ये 1 भी कैंसिल, यहाँ से बचा ये प्लस 1. तो p ऑफ माइनस 1 क्या आया, प्लस 1 के इक्वल आया. तो अब जो है हमारा अगर फैक्टर बताना होता है तो ये कितनी वैल्यू देनी चाहिए इसको, जीरो, लेकिन हमारे पास आ रहा है 1. तो इसलिए हम बोलेंगे कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. इस केस में जो x प्लस 1 है वो फैक्टर नहीं बना. थर्ड देखिए. थर्ड में जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है वो है x 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो इसको भी आपको ऐसे ही करना है, और इसको भी p ऑफ x कंसीडर करो. पहले p ऑफ x हमारा यही हो गया,
उसके बाद जीरो ऑफ एक्स प्लस वन निकालो, माइनस वन आएगा। और आप क्या करो, पी ऑफ माइनस वन जब आप निकालेंगे तो माइनस वन की पावर फोर, थ्री इंटू माइनस वन की पावर थ्री, प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वेयर, माइनस वन और प्लस वन। अब देखो इवन पावर तो वन, ओड पावर तो माइनस थ्री और प्लस थ्री, माइनस वन प्लस वन। तो देखो यहाँ से थ्री और थ्री कैंसिल, वन से वन कैंसिल और बचा क्या, वन। तो यहाँ पर भी पी ऑफ माइनस वन क्या बचा, वन, हमें चाहिए था जीरो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल। अब जो है फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस रूट टू। अब इसको भी आपको यही दिखाना है कि एक्स प्लस वन जो है फैक्टर है या नहीं। तो हमारे पी ऑफ एक्स आप लेट करो, पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, ये होगी हमारी पी ऑफ एक्स। अब जीरोज ऑफ एक्स प्लस वन इज माइनस वन। सो पी ऑफ माइनस वन जब आप निकालेंगे तो माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का स्क्वेयर, माइनस में टू प्लस रूट टू और माइनस वन, ये प्लस रूट टू। अब इसको सॉल्व करो, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, ये माइनस पहले ही था और माइनस वन का स्क्वेयर ये हो गया वन। अब देखो इस माइनस वन की इस टू के साथ जब आप करेंगे तो माइनस टू, और ये माइनस बाहर है तो कितना हो जाएगा, प्लस टू। यहाँ पर भी ऐसे ये माइनस और ये माइनस, प्लस रूट टू, और ये भी कितना है, प्लस रूट टू। ये माइनस वन और माइनस टू, सॉरी माइनस टू बन गया, ये प्लस टू और ये कितना हो गया, टू रूट टू। अब इसमें ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, टू रूट टू बचा। तो यहाँ से पी ऑफ माइनस वन आया आपके पास टू रूट टू। अगर जीरो आता तो हमारा फैक्टर बनता, तो अब ये आ रहा है टू रूट टू। सो एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये आपका फर्स्ट सम हो गया। अब सेकंड सम देखिए, सेकंड सम में इन्होंने क्या बोला है कि यूज द फैक्टर थ्योरम को यूज करना आपको टू डिटरमाइन वेदर g of x is a factor of p of x in each of the following cases। देखो क्या बोला गया है कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करके डिटरमाइन करना है कि g of x जो है एक फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, किसका, p of x का। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में जो आपको p ऑफ x गिवन है 2x क्यूब प्लस x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1, और जो आपको g ऑफ x गिवन है वो है x प्लस 1। अब देखो जब हमें जी ऑफ एक्स को एक फैक्टर बताना है पी ऑफ एक्स का, तो हम इसको कैसे करते हैं, जी ऑफ एक्स को हम इक्वल टू जीरो पुट करते हैं ना। तो पुट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स कितना आया, माइनस वन। सो जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स इज माइनस वन। अब पी ऑफ माइनस वन करेंगे जब हम, तो टू
इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन। अब इसको सॉल्व करो, ये माइनस ओड पावर में तो माइनस वन आएगा, तो ये हो गया माइनस टू, ये प्लस वन और ये माइनस माइनस प्लस टू, ये माइनस वन। अब यहाँ से देखो, इस टू से ये टू कैंसिल हो रहा है, इस वन से ये वन कैंसिल हो रहा है, तो पी ऑफ माइनस वन कितना बचा आपके पास, जीरो बचा। अब देखो, फैक्टर थ्योरम क्या कहते थे कि अगर x प्लस वन जो है फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर या जो पी ऑफ x हम करेंगे वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, जीरो आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि बाय फैक्टर थ्योरम से g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमने क्या दिखा दिया कि g ऑफ x की जो जीरो थी, जब हम उसको पॉलिनोमियल p ऑफ x में रखते हैं तो वो हमें कितनी वैल्यू दे रही है, जीरो वैल्यू दे रही है। तो हम बोलेंगे कि फैक्टर थ्योरम से g ऑफ x जो है p ऑफ x का एक फैक्टर है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और g ऑफ x जो आपको गिवन है वो है x प्लस 2। अब देखो, g ऑफ x कितना गिवन है आपको, x प्लस 2 गिवन है। तो सबसे पहले g ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करो, लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x कितना आ गया, माइनस 2। नाउ p ऑफ माइनस 2 जब आप निकालेंगे तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू माइनस 2 और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम माइनस की पावर का ओड पावर है तो हमारे पास साइन तो कितना आएगा, माइनस साइन और 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 प्लस 3 इंटू 2 टू ज़ 4, माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस और 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 प्लस 1। अब यहाँ से देखो, माइनस 8 प्लस 12 माइनस 6 और प्लस 1। यहाँ से आया ये प्लस 4 माइनस 2 और ये आ गया माइनस 1। p ऑफ माइनस 2 आया आपके पास माइनस 1। तो फैक्टर थ्योरम तो हमें क्या कहती है कि अगर हम g ऑफ x की जीरो की वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में रखते हैं तो वो हमें जीरो वैल्यू देती है, तब वो g ऑफ x जो है p ऑफ x का फैक्टर बनता है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास जीरो वैल्यू नहीं आई, इसीलिए हम बोलेंगे कि बाय फैक्टर थ्योरम g ऑफ x is not a factor of p of x। इस केस में जो g of x है वो p of x का फैक्टर नहीं बनेगा। अब जो है थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में जो आपको p of x गिवन है वो है x क्यूब माइनस 4 x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और आपको g ऑफ x गिवन है x माइनस 3। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पुट g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 को जब आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3। अब इस x को हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल में रखना है। तो नाउ p of 3 जब आप निकालेंगे तो 3 की क्यूब माइनस 4 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 और प्लस 6। अब 3 की पावर क्यूब मीन्स 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 3 जा 9 जा और 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6 27 माइनस 36 और प्लस 9। अब ये देखो कितना हो गया,
36 माइनस 36 कितना आया, 0। तो यहाँ से p ऑफ 3 आया आपके पास 0। अब फैक्टर थ्योरम से क्या है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, यहाँ तक हमारे जो हैं दो सम कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप दोनों को अपनी फेयर नोटबुक में ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।